नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियसर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है ट्रिपल ए, उसकी यूनिट फिफ्थ हमारी रनिंग में, और यूनिट फिफ्थ का ये लेक्चर सेकंड है जिसमें हम आईपीएस की थ्योरम नंबर सेकंड करेंगे। और ये जो थ्योरम है ये नेम वाइज आपसे पूछी जा सकती है, स्टेट एंड प्रूव करके। क्या बोला जाएगा? स्टेट एंड प्रूव कोसी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इसकी जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकल स्टेटमेंट वो भी आपको ध्यान रखनी है। वी कोई आईपीएस है, यू और वी वी से बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल वी से, और आपको फिर ये प्रूव करना है। ठीक है, ये जो है और जो पिछली थ्योरम थी वो लगभग सेम सी है। अंतर क्या था? वहां पे यू और वी जो वेक्टर थे वो यूनिट वेक्टर थे, मतलब यू का नॉर्म और वी का नॉर्म आपको वन दे रखा था। अगर यहाँ पे यू का और वी का नॉर्म वन दे दिया जाए आपको भी, तो ये पिछली वाली थ्योरम बन रही है। यू वी के इनर प्रोडक्ट का जो मोड है वो लेस इक्वल वन आ रहा है ना, यही पिछली थ्योरम थी हमारी। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको ये याद रखना है दोनों थ्योरम में। वहां पे तो यू और वी के नॉर्म यानी वो यू और वी दोनों यूनिट वेक्टर थे, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं दे रखे हैं। और क्या कह रहा है कि इक्वालिटी होल्ड तभी होगी जब यू और वी एल डी हो। इक्वालिटी होल्ड का मतलब यहां से कि यहां पे इक्वल आए। ठीक है, अच्छा, ऐसा तभी हो सकता है जब यू और वी जो वेक्टर हैं वो एल डी हो। यू और वी दो वेक्टर एल डी होने का मतलब, एल डी होने का मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो यू है और जो वी है एक दूसरे के मल्टीपल है। मतलब इस टाइप से यू इक्वल अल्फा टाइम्स ऑफ वी आ जाए। ठीक है, यहां पे जो अल्फा है वो स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, इस टाइप से हम प्रूव करेंगे, या फिर v इक्वल अल्फा टाइम्स या बीटा टाइम्स ऑफ u आ जाए। ठीक है, तो u और v वेक्टर को हम ld वेक्टर बोलेंगे। तो सबसे पहले तो ऊपर वाला प्रूव करते हैं। अगर मैं ये लेके चलूं कि u और v इन दोनों में से कोई भी वेक्टर एक, कोई भी एक वेक्टर अगर जीरो है, इफ आइदर u इक्वल जीरो और वेक्टर v इक्वल जीरो, देन तो क्या होगा? देखो, मान लेते हैं u को मैंने जीरो कर दिया, तो जीरो वेक्टर का किसी भी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा, तो लेफ्ट साइड जीरो है इसकी। और जीरो वेक्टर का नॉर्म क्या होता है? जीरो, तो जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, यानी ये जो रिजल्ट है वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, देन रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, कोई भी अगर जीरो है यू और वी में से तो सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर U और V दोनों नॉन जीरो वेक्टर हुए तो, इफ U नॉट इक्वल जीरो एंड V ऑल्सो नॉट इक्वल जीरो, देन तो क्या होगा? देखो, U भी जीरो नहीं है और V भी जीरो नहीं है। ठीक है, तो पहले आप U और V को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लो। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? उसके नॉर्म से डिवाइड कर दो। अगर मैं U को यूनिट वेक्टर बनाना चाह रहा हूं तो इस U वेक्टर में, इस U वेक्टर में मैं इसके नॉर्म से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बनेगा? U बाई नॉर्म ऑफ U, यूनिट वेक्टर बन गया वो पूरा। ठीक है, तो क्या लिखूं मैं इसको? यूनिट वेक्टर बनाऊं तो U अपॉन नॉर्म ऑफ U, ऐसे इसको V अपॉन नॉर्म ऑफ V आर यूनिट वेक्टर्स। अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो पिछली थ्योरम में काम में ले रहा हूं। क्या था पिछली थ्योरम में? दो यूनिट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट और उनका मैग्नीट्यूड, सॉरी मोड, ठीक है, वो लेस इक्वल था किसके? वन के। तो अब मैं वहां से क्या लिख सकता हूं? देन वी हैव इनर प्रोडक्ट ऑफ बोथ यूनिट वेक्टर्स, यू अपॉन नॉर्म ऑफ यू कोमा वी अपॉन नॉर्म ऑफ वी, और इनका जो मोड है वो लेस इक्वल वन आया था। ठीक है, पिछली थ्योरम से। अच्छा, अब ये क्या है? वन अपॉन नॉर्म ऑफ यू और वन अपॉन नॉर्म ऑफ वी, ये तो स्केलर है। नॉर्म ऑफ यू लेंथ होती है, नॉर्म ऑफ वी वो भी लेंथ होती है, स्केलर है। ठीक है, पॉजिटिव, तो इनको मैं बाहर कर रहा हूं। तो क्या लिखूं मैं इसको? मैंने बाहर किया तो वन अपॉन नॉर्म ऑफ यू इंटू वन अपॉन वी को बाहर कर रहा हूं, नॉर्म वी के नॉर्म को बाहर कर रहा हूं। ठीक है, अंदर क्या बचा? यू वी का इनर प्रोडक्ट लेस इक्वल वन। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, ट्रांसफर कर दो उधर तो क्या आएगा? यू वी का जो इनर प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड, उसका जो मोड है वो लेस इक्वल आ गया किसके? नॉर्म ऑफ
यू इंटू नॉर्म ऑफ वी, ठीक है। अगर यू और वी नॉन जीरो वेक्टर हैं तो भी हमने प्रूव कर दिया, और इनमें से कोई भी जीरो है तो भी हमने प्रूव कर दिया, रिजल्ट ट्रू आ रहा है ना। अच्छा, एक पार्ट तो ये हो गया। अब बात करें इक्वलिटी होल्ड वाली कंडीशन। इफ इक्वलिटी होल्ड, अगर इक्वलिटी होल्ड हो रही है तो यू और वी को हम एलडी प्रूव करेंगे फिर, ठीक है। तो इक्वलिटी अगर होल्ड हो रही है, यानी मैं इसको इक्वल लेके चल रहा हूं यू कोमा वी, अब यहां पे आप मैग्नीट्यूड अप्लाई, ये जो मोड है ये अप्लाई नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि राइट साइड देखो क्या है, नॉर्म दे रखे हैं दो वेक्टर के, यानी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ठीक है, स्केलर वैल्यू है। तो ये जो लेंथ है ये तो नेगेटिव होती नहीं है, तो ये पॉजिटिव होगी। तो अगर आपने मोड अप्लाई किया तो वहां पे प्लस या माइनस दोनों ही होंगे, तो आपको केवल और केवल प्लस का साइन लेके चलना है ना। तो मैंने मोड हटा दिया, मतलब प्लस से यू और वी का जो इनर प्रोडक्ट है उसको पॉजिटिव लिया है मैंने, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर लेंथ है और वो पॉजिटिव होती है इसलिए। ओके, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करूं मैं, इससे डिवाइड कर देता हूं, यानी वन अपॉन नॉर्म ऑफ यू इंटू वन अपॉन नॉर्म ऑफ वी, और इधर क्या है, यू और वी का इनर प्रोडक्ट, इधर क्या बचा, वन बचा। यू और वी का जो नॉर्म है उनको अंदर भेज दो, तो इधर कम रेफ कर देता हूं। जब मैं इनसे डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, यू इनर प्रोडक्ट यू अपॉन नॉर्म ऑफ यू और कोमा वी अपॉन नॉर्म ऑफ वी, ठीक है, इक्वल वन आ रहा है। अब ये देखो अंदर वाला क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। दो यूनिट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट हम कर रहे हैं तो वो वन आ रहा है। तो ये बात अब अच्छे से बेजी में डाल लेना आप, जब भी दो यूनिट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट वन के इक्वल आता है तो वो दोनों यूनिट वेक्टर इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं क्योंकि इनके नॉर्म से डिवाइड कर रखे हैं। दोनों यूनिट वेक्टर का जब हम इनर प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो वो वन आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो क्या लिखें, u अपॉन नॉर्म ऑफ u इक्वल v अपॉन नॉर्म ऑफ v। अब मैं यहां से अगर u वेक्टर फाइंड करना चाहूं तो इसको इधर भेज दूं, यानी नॉर्म ऑफ u अपॉन नॉर्म ऑफ v इंटू v वेक्टर, ठीक है। अब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी लेंथ है, ये भी स्केलर, तो ये पूरा क्या आ गया, स्केलर आ गया। तो u इक्वल अल्फा टाइम ऑफ v फॉर्मेट आ गया ना, स्केलर टाइम ऑफ v। इसका मतलब क्या हो गया, u एंड v आर ld लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो ld वेक्टर्स हैं ये, यही हमको सेकंड वाले में प्रूव करना था। तो ये थे आपकी थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नेम वाइज जो भी थ्योरम पूछी जाती है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, तो उनकी स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए और उसका प्रूफ तो आपको आना ही चाहिए।